कैसे हैं आप? तो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगा हाउ यू कैन प्रिपेयर एंड स्टोर चिकन फॉर एन एंटायर वीक। जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि आई विल बी फॉलोइंग अ कैलोरी डेफिसिट डाइट टू फर्दर रिड्यूस माय बॉडी फैट परसेंटेज। तो अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर डाइट प्लान को फॉलो करनी है, आपकी मील्स ऑलरेडी प्लान्ड है, तो आपकी डाइट बहुत ही सिंपल हो जाती है। सबसे पहली बात, आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाता है, आपको हर रोज़ कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड दूसरी बात, यू टेंड टू स्टिक टू योर डाइट मोर, आपको ज़्यादा चीट करने का मन नहीं करता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं चिकन ब्रेस्ट को प्रॉपरली वॉश कर लेता हूँ एंड जितना भी एक्सेस फैट है उसे ट्रिम कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद मैं चिकन को स्मॉल स्मॉल पीसेज में कट कर लेता हूँ। इससे क्या होता है, चिकन इवनली कुक होता है एंड ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसे कुक होने के लिए। नेक्स्ट आता है मैरिनेशन। अभी मैरिनेशन के लिए मैं सिर्फ ऐसी चीज़ें यूज़ करता हूँ जिससे इसमें कैलोरीज में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इससे क्या होता है, कैलोरीज को ट्रैक करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। जब मैं ऐप में ट्रैक करूँगा तो वहाँ पर मैं सिर्फ कुक चिकन ऐड कर देता हूँ, तो उससे बहुत सिंपल हो जाता है। अगर मैं कोई भी एडिशनल सॉसेज इसमें ऐड करूँ जिसमें और भी कैलोरीज होंगी तो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा प्रोसेस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आपके पास टाइम है तो एटलीस्ट एक घंटे के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए आप छोड़ दें। नेक्स्ट मैं इसे स्मॉल स्मॉल बैचेस में कुक कर लेता हूँ एंड कुक करने के लिए मैं कोई भी ऑयल इसमें यूज़ नहीं करता हूँ। चिकन का जो मॉइस्चर रिलीज होता है उसमें ही वो कुक हो जाता है। ऑलमोस्ट 8 to 10 मिनट्स लगता है इसे कुक होने के लिए। बॉक्सेस में ऐड करने से पहले मेक श्योर आपका चिकन कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है एंड मैं 200 ग्राम हर दिन के लिए डिवाइड कर लेता हूँ। आप इसे 3 दिन तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं एंड 3 दिन से ज़्यादा जितना भी चिकन है आप उसे फ्रीजर में स्टोर कर दें, इससे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब भी आपको चिकन खाना है आप इसे 2 घंटे पहले बाहर निकाल के रख सकते हैं कि कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। मेरे घर पर ऑलमोस्ट हर रोज़ दाल राइस भाजी तो बनती है एंड मैं मॉम को बोल देता हूँ कि थोड़ा बहुत कम ऑयल वो यूज़ करें, तो कार्ब्स मुझे वहाँ से मिल जाता है एंड जितना भी प्रोटीन है उसके लिए मैं चिकन ऐड कर लेता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो एंड अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप जरूर मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। एंड आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू गिव इट अ थम्स अप। अगर आपको ऐसे और कोई टॉपिक या वीडियो चाहिए हो तो आप जरूर नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।